पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के अणु में अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नरेंद्र अत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की खो खो की टीम को भी हार व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। खो खो इंटर कॉलेज के प्रदेश की टीम 26 से 30 सितम्बर तक पटियाला में राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में खो खो टीम में नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई कि वह प्रदेश का नाम रोशन करें, साथ ही प्रण लिया गया कि उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे वर्ष भर में सभी राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, प्रण किया गया कि जो विचार उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए दिया है, उस विचार पर काम करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को आधार मानकर अपनी नीतियां, अपने केंद्र सरकार की नीतियां बनाई, जिसके कारण देश के करोड़ों लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचा। अटल वेलफेयर सोसाइटी ने वर्ष भर नशा मुक्त खेल युक्त अभियान चलाया, जिसके तहत 40 कार्यक्रम पूरे वर्ष भर किए गए। आज समापन के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया और उन्हें यहां से ब्रांड एम्बेसडर बनकर जाने के लिए आह्वान किया गया, ताकि वो समाज में जाकर ब्रांड एम्बेसडर बने नशा मुक्त खेल युक्त समाज अभियान के, और अपने युवाओं को प्रेरित करें खेल के मैदान में आने के लिए, अपने युवाओं को जागरूक करें नशे से दूर रहने के लिए। मैं अटल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज इन युवाओं को यहां से शुभकामनाएं देकर भेज रहा हूं, और पिछले 40 कार्यक्रमों में जिन भी युवाओं ने इस हमारे अभियान में भाग लिया है उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में वो समाज में और अधिक जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका तय करेंगे, ताकि आने वाले समय में जिस तरह के भारत की कल्पना देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की है, उस कल्पना को साकार करने में हमारा नौजवान भी अपनी भूमिका अदा कर पाए। जी, ये हम खो-खो की टीम के हैं, जो अटल सोसाइटी ने हमें भी सम्मानित किया, उन्होंने हमें नशे से दूर रहने के लिए भी प्रोत्साहन दिया और मतलब दूर रहना इन चीज़ों से और मेहनत करनी अपनी गेम में और आगे मेडल लाने। और ये है हमारा टूर्नामेंट हो रहा है इंटर यूनिवर्सिटी का और ये पंजाब में हो रहा है और हम पंजाब में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने। गौरतलब है कि पटियाला के देशभक्त यूनिवर्सिटी परिसर में 26 से 30 सितंबर तक राष्ट्र स्तरीय इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की टीम आज हमीरपुर से रवाना हुई है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित करके इस दिवस को मनाया गया।